देवरिया के फतेहपुर ग्राम पंचायत में हुए हत्याकांड और 6 लोगों के नृशंस हत्या के मामले में अब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। घटना के पहले दिन के बाद से ही यह रूपरेखा तैयार हो गई थी कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। माना जा रहा था कि जल्द ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। नापजोक हुई थी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजस्व ने भी पूरे ग्राम सभा और ऐसी तमाम जमीनों को चिन्हित किया था जिन पर कब्जे का डर था या यूं कहें आशंका थी। माना जा रहा था कि तमाम मकान ऐसे हो सकते हैं जो ग्राम पंचायत और ग्राम समाज की जमीन पर बने हों। उसकी नापजोक हुई और उसके बाद यह तय था कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल दे दिया। हालांकि इसके बावजूद भी जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल के ही दिनों में पूर्व सीएम अखिलेश यादव रुद्रपुर के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात का प्लान बनाया था, लेकिन एक ही परिवार मिला और वो परिवार था प्रेमचंद यादव। लेकिन अब अखिलेश यादव के लौटने के बाद प्रेमचंद यादव समेत उन तमाम ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है जिनके घरों पर लाइसेंस थे। जी हाँ, रुद्रपुर फतेहपुर के लेहड़ा में हुए हत्याकांड के बाद से ही पहले दिन से ही प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा था, लेकिन मंगलवार को गांव के 9 से ज्यादा लोगों के असलहे के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, यानी अभी हाल फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए। इसके साथ ही उनके असलहों को सीधे थाने में जमा कराने का फरमान सुना दिया गया है, या फिर जहां पर मुख्यालय है वहां जमा करा दिया जाए और इसका निस्तरीकरण की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई, यानी सबके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है वो प्रेमचंद यादव, उनका भी लाइसेंस रद्द हुआ है। इसके अलावा उनके करीबियों पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि फतेहपुर ग्राम पंचायत में कुल जमा 27 लाइसेंसधारी हैं, इन्हीं में से कुछ को चिन्हित किया गया है। घटना के बाद से ही मृतक प्रेमचंद यादव समेत 17 लोगों के असलहों का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और उन्हें पहले चिन्हित किया गया था। मंगलवार को मृतक प्रेमचंद यादव उमेश यादव, कन्हैया, निशांत, राम नगीना, चंद्र प्रकाश, कमलेश, सुरेंद्र व शारदा के असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और जल्द ही उन्हें नोटिस पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही इन सब का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जिला अधिकारी इसकी सुनवाई करेंगे और इसके बाद वो तय करेंगे कि किसको लाइसेंस दिया जाना है और किसका रद्द किया जाना है, यानी ये पूरी प्रक्रिया अब टाइमलाइन पर आ चुकी है। साथ ही जल्द ही इस पर मुकदमे की कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ अगर असलहों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कागजी दिक्कत या फिर कोई हेरफेर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की उम्मीद बंध गई है। इसके अलावा अभयनाथ यादव, अनिरुद्ध यादव, गेंदालाल यादव समेत कई अन्य के लाइसेंस पहले से ही रद्द किए जा चुके हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही। आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव के साथ रहने वाला नवनाथ जो कि ड्राइवर था, उसने 4 लोगों की, सत्य प्रकाश परिवार के 4 लोगों की हत्या की थी और उसका लाइसेंस भी बरामद हुआ था, वो थी राइफल। पुलिस ने उसे बरामद किया था और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं एक और वीडियो गांव का वायरल हो रहा है जिसमें तमाम ग्रामीण तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो ऐसा है जिसके मुताबिक पुलिस को और जांच में बल मिल गया है। दरअसल आरोपियों की तलाश में जब पुलिस गांव पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने लाइसेंस जिसके जिसके घर में मिला था उसको चिन्हित किया था और उन्हें उठा लिया था। इसके अलावा एक और आरोप और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नवनाथ मिश्रा की राइफल जो उसके पास से बरामद हुई, जिसको पुलिस ने दिखाया है, वो घर से ली गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का कई बार खुलासा किया है और पुलिस के सामने भी बयान दर्ज कराए। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो पहले सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद के बीच में बातचीत हो रही थी और उसके बाद खेत में लगे सागौन के पेड़ और मकान को लेकर के विवाद होने लगा था, क्योंकि माना जा रहा है कि ज्ञान प्रकाश दुबे ने पूरी संपत्ति ही प्रेमचंद यादव के नाम कर दी थी। इसीलिए प्रेमचंद यादव मकान, जमीन और इसके अलावा पेड़ों पर भी हिस्सेदारी मांग रहा था। इसी हिस्से का मामला उसने सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर जाकर उठाया था, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और उसके बाद जब सत्य प्रकाश जब नहीं माना तो उसके बाद प्रेमचंद यादव ने सागौन और मकान की भूमि पर हिस्सा मांगा और इसको जब उसने इनकार कर दिया तो प्रेमचंद यादव गुस्से से लाल हो गया। उसने सत्य प्रकाश दुबे को कई थप्पड़ मारे।
सत्य प्रकाश दुबे ने विरोध किया तो और मारा। उसके बाद सत्य प्रकाश के शोर मचाने पर उसके परिजन आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रेमचंद यादव इसी दौरान ईंट पर गिर गया और उसकी दुखद मौत हो गई। वहीं आरोप तो यह है कि प्रेमचंद यादव को ईंटों से मारा गया था, लेकिन इस पूरी घटना के बाद प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को ही खत्म करने की कसम खाई और लगभग सबको खत्म कर दिया। लेकिन गनीमत रही कि उसके परिवार का एक बच्चा बलिया में था और दूसरा 8 साल का बच्चा, जो कि गंभीर अवस्था में इस पूरी घटनाक्रम के दौरान घायल हो गया था, वो बच गया है। इसके अलावा एक उसकी बेटी, जिसकी पहले शादी हो गई थी, वो अपनी ससुराल में थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।